पूरा उत्तर भारत इस वक्त प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। दिन पर दिन चढ़ता पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है और इस उबलन भरी गर्मी में जनता का हाल बुरी तरह बेहाल हो चुका है। इसी बीच रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखते हुए आईएमडी ने दिल्ली में लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। साथ ही आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रात में भी अधिकतम तापमान की स्थिति होने की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर के 12 बजे से शाम के 3 बजे तक घरों में रहने के लिए ही कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बीच लू और गर्मी अपने चरम पर होती है और इस वजह से खुद को लू के कारण बीमार होने से बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि लोग घरों में ही रहें। अभी तक तो खैर टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर आया नहीं, लेकिन जो कल का टेम्परेचर था वो फुलौदी वेस्ट राजस्थान में 50 डिग्री तक था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आने वाले 3-4 दिन ऑलमोस्ट ऐसे रहने वाले हैं, उसके लिए हमने अभी रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। अगर आप पंजाब, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी हमने रेड अलर्ट दे रखा है 3 दिन के लिए, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में हम गिरावट आने की उम्मीद है, तो फिर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हीट वेव वहां भी कंटिन्यू रह सकता है। पंजाब में अभी थोड़े ग्रेजुअली टेम्परेचर कम थे, थोड़ा बढ़ेंगे और वहां भी हमने आज के लिए, आजकल के लिए तो ऑरेंज है, उसके बाद 2 दिन के लिए रेड दे रखा है, उसके बाद वहां भी फिर 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां जो टेम्परेचर या जहां भी आज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हो सकती है, हो सकता है कुछ स्टेशन 47 तक पहुंच जाए, लेकिन जैसे हमारी मेजर ऑब्जर्वेटरी सफदरजंग की है वहां पे 44-45 का ही अनुमान है हमारा, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कहीं 47 तक पहुंच जाए और आने वाले 3 दिनों में ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो ही रहने वाला है, कुछ ज्यादा चेंजेज नहीं होगी 3-4 दिन, उसके बाद जहां भी थोड़ी टेम्परेचर में हल्की गिरावट आ सकती है। आपने बताया कि अभी ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट आने वाले दिनों के लिए जारी होगा, तो क्या टेम्परेचर उन दिनों पहुंच सकता है? देखिए वो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में तो टेम्परेचर कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये 45 तक पहुंच सकते हैं। जो 45 पहुंचेंगे तो हमने उसके लिए रेड अलर्ट दे रखा है। और बाकी राजस्थान की बात करें या हरियाणा, एनसीआर दिल्ली की बात करें, ऑलरेडी जो 45 क्रॉस हो ही चुके हैं काफी जगह टेम्परेचर, तो वहां ऑलरेडी रेड अलर्ट है हमारे आने वाले 3 दिनों के लिए। दिल्ली एनसीआर में आप बता रहे हैं 47 तक आज भी तापमान पहुंच सकता है दिल्ली में सफदरजंग इलाके में? नहीं, सफदरजंग का नहीं बात कर रहा, सफदरजंग का तो थोड़ा कम रहता है, कहीं ना कहीं किसी आइसोलेटेड पॉकेट्स में 47 पहुंच सकता है, जैसे क्या नाम है, कहीं ना कहीं ये पहुंचने की उम्मीद है। तो मेजरली जो हमारा सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है इट विल बी अराउंड 44 और 45। जी, तो सर हम ये कह सकते हैं कि आज और कल ही सबसे गर्म दोपहर हो सकती है तापमान को लेकर? देखिए वो तो कंटिन्यूस काफी दिनों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर एक्टिविटी ना होने से टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, बीच में थोड़ी गिरावट आई थी क्योंकि बेओ बंगाल से स्थली हवाएं आई, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अभी फिर जो वेस्टर्लीज हवाएं हैं, जो हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, तो अभी टेम्परेचर जैसा मेंटेन्ड है ऑलमोस्ट राजस्थान में वैसा ही रहेगा और थोड़ा बहुत वहां पे पंजाब वगैरह में थोड़ा 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। सर राजस्थान में कितना टेम्परेचर पहुंच सकता है? सर देखिए कल 50 पहुंचा है तो अराउंड अबाउट वैसा ही रहने वाला है, इससे ज्यादा तो जाने की उम्मीद कम है। सर जो आंकड़े बताते हैं 2016 में मई के महीने में ही 51 दोपहर में पहुंचा था, रिकॉर्ड था ये, तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है किसी राज्य में? देखिए अभी तो हमने जो आपको वही बताया है कि टेम्परेचर इसी के जैसे चल रहे हैं ऑलमोस्ट, उसी रेंज में रहने की ज्यादा उम्मीद है। सर बारिश का क्या अनुमान है, क्या अभी तो देखिए आने वाले 4-5 दिनों में कोई बारिश का अनुमान नहीं है, तो ऑलमोस्ट जैसा वेदर है ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 4-5 दिन के बाद हल्का फुल्का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हिमालयस में रेनफॉल हो सकती है और थोड़ा बहुत जो हमने टेम्परेचर बताए हैं 4 दिन के बाद थोड़ा कम रहेंगे 3-4 दिन के बाद, उसका यही है कि थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो सकता है स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा में, इसलिए गिरावट आ सकती है। अगर आप हिमालय की बात करें वहां भी हीट वेव चल रही है, जैसे जम्मू डिवीजन हो गया या हिमाचल के लोअर पार्ट है, वहां भी हमारा यही अनुमान है आने वाले 4-5 दिनों में वहां भी हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा। सर इन दिनों ऐसे कोई आंकड़े हैं कि सीधा धूप पड़ रही है या 1 तारीख तक जिसे नौतपा भी कहा जाता है? देखिए ऐसा होता है कि जनरली जो मई मंथ होता है वो सबसे गर्म होता है,
और पिछले साल की बात करें उस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, रेनफॉल एक्टिविटी रहा, उसके कारण टेम्परेचर इतना नहीं बढ़े। लेकिन अगर आप जनरल क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तो मई सबसे गर्म ही होता है, तो उसमें तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचते ही है और वही सिनेरियो बना हुआ है। वही राजस्थान के बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके चलते गर्मी का अच्छा खासा असर शहर में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। कानपुर में तो 42 से 45 डिग्री तक पारा जा रहा है और इतनी हीट है कि 8 बजे के बाद रोड पर निकलना बेकार है और कोई भी सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटलों में पंखे नहीं है, ये नहीं है। इस गर्मी में अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है, सबसे ज़्यादा डायरिया हो रहा है और गर्मी तो आफत करे। गर्म तो बहुत पड़ रही है, गर्म के ये आलम है कि सुबह होते हुए धूप का ऐसा निकलना होता है कि अभी 9 बज रहा है और 43-44 डिग्री सेल्सियस है। और मेरा कहना ये है कि जैसे कि राहगीर चलते हैं तो इनको बहुत सारी समस्या हो रही है, जैसे कि पानी की, रास्ते में कहीं पौशाला नहीं है और कहीं पानी कमी हो रही है जैसे कि निकलते हैं, और जानवरों को बहुत दिक्कत हो रही है कि कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं, ना तालाब है ना कोई नदी है, जिससे कि सरकार से ये गुजारिश है कि कहीं पौशाला की जाए, जिससे कि राहगीर जो निकल चलते हैं इनको पानी की असुविधा ना हो, क्योंकि रोडों में नल तो बचे नहीं है, इतना वाटर लेवल डाउन हो चुका है गर्मी के कारण कि पानी की असुविधा हो रही है, तो पानियों की करी जाए और गर्मी में वही लोग निकले जिनको ज़रूरत है, कि गर्मी बहुत पड़ रही है, लोगों को चक्कर आ जा रहे हैं और बेहोश हो जा रहे हैं, जो ज़रूरत हो वही लोग निकले। बहुत गर्मी है, बाइक चलाने में बहुत दिक्कत है। सबसे ज़्यादा जो किया गया है, ये जितने सिग्नल हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रशासन को करना चाहिए। लंबा जाम लग रहा है, गर्मी में आदमी उबल रहा है टू व्हीलर वाला, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कानपुर का होगा 45 तो होगा, 40 से 45 रहता है, दोपहर में बढ़ जाता है। बहुत दिक्कत होती है, अंगूठे का सहारा लेना पड़ता है, बाइक चलाते हैं हम लोग, अंगूठे का सहारा लेना पड़ता है, अंगूठा जब मुँह में बांधते हैं तब बाहर निकल पाते हैं, जगह जगह पानी पीना पड़ता है। हाँ, दिक्कत तो हो ही रही है भाई। गर्मी के हालात ये कि इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही कि हम कुछ बता नहीं सकते आपको। सबसे ज़्यादा हमारा बस एक ही संदेश है कि पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, नहीं तो अगले साल हमें नहीं लगता है कि गर्मी कुछ सह पाएगा। 4 दिन से काफ़ी तेजी है मैं बीकानेर में, और सभी से अनुरोध है कि इसका बचाव रखें और गर्मी में कम निकलें, काम के अनुसार ही जाएं, और प्रशासन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न तो पानी की, न ठहरने की, ना कुछ और, क्या समझे। इस बार गर्मी पिछले सालों से इस बार कैसी है? अभी काफ़ी कम से कम 50-60 सालों से रिकॉर्ड तौर गर्मी पड़ रही है इस बार। 30 सालों से मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है, और मेरी लाइफ में तो मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है। जब भी हम आने जाने के लिए, हमें बसों में भी यही प्रॉब्लम है और कॉलेज में भी, तो वैसे है वो इतनी नहीं है, लेकिन जाने आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा गर्मी की जो प्रॉब्लम है वही है। वही साल 2024 यूपी के लिए भी अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी लगातार कहर बरपा रही है, मई के महीने में ही अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। ऐसे में अभी जून बाकी है, जून कितना गर्म रहेगा इसकी मॉनिटरिंग लगातार मौसम विभाग कर रहा है। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम केंद्र द्वारा हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में वार्म नाइट के साथ ही पूरे यूपी में वार्म नाइट का अलर्ट जारी है, यानी प्रदेशवासियों को दिन और रात दोनों में ही सुकून नहीं मिलने वाला। बताते चले कि दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। अगले 5 दिनों तक दिन के समय मौसम साफ रहने का अनुमान है, तेज गर्म हवा, लू और प्रचंड गर्मी देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों में दिल्ली NCR में बेतहाशा गर्मी का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। हालांकि आने वाले कुछ दिनों की बात करें तो 31 मई को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। वहीं 1 जून तक दिल्ली में औसत अधिकतम तापमान 43 से 45 और न्यूनतम तापमान 28 से 31 डिग्री रहने की संभावना है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक आसमान से बरसती आग से राहत मिलती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। मौसम से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।